तरफ से आयोजित आज का ये कार्यकर्ता का सम्मेलन, इस सभा में उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मीराबेन अधारी, आपके हमारे छोटे भाई आनंद सिंह जी, जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत, प्रदेश के सचिव आपके हमारे सहकारी सुरेश दलवी, नव निर्वाचित पूर्व महिला अध्यक्षा माजी नगर सेविका लीलाताई पाटिल, जिलाध्यक्ष प्रमोद सावंत, गट नेता जिलेर इनामदार, प्रवक्ता प्रकाश नामने जी, अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष एडवोकेट एस ए खान, कार्य अध्यक्ष एकनाथ पाटिल और नगर सेविका गीता परदेसी, फरीद मरलिंग, रूपा पिंटो, रुबीना, अशोक शेख, अनिल सावंत, सक्सेना जी, सम्मान्य व्यासपीठ उपस्थित सभी आजी माजी नगर सेवक, सभी ब्लॉक के अध्यक्ष, फ्रंटल के अध्यक्ष, सभी सही के अध्यक्ष, सभी प्रभाग के, ब्लॉक के, जिले के पदाधिकारी, भाइयों बहनों, दोस्तों, आज की सभा इस बरसात में मुझे लगा था कि 50-100 लोग उपस्थित होंगे, मगर प्रमोद सावंत संगठना वही जिंदा रहती है जो हमेशा लड़ाई लड़ते रहती है। आपने देखा होगा कि आर्मी के जवान भले लड़ाई हो ना हो, मगर सवेरे 4 बजे उठ के रपेट लगाते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं, पता नहीं कि युद्ध कब छिड़ जाए, पता नहीं कब किस शहर में दंगे हो जाए और वहां पे सेना को पहुंचना पड़े। तो संगठना जो होती है वो सेना की तरह ही काम करती है, और जो संगठना आंदोलन नहीं करती, एजुकेशन नहीं करती, वो संगठना हो ही नहीं सकती, वो संगठना हो ही नहीं सकती। वो संगठना उस तरह होती जैसे कोई राजा महाराजा का नवाबजादा होता ना, पैदाइश, जो सवेरे 12 बजे उठता है, 4 बजे खाना खाता है और फिर सुबह 5 बजे सोता है, वो जिंदगी में लड़ाई नहीं लड़ सकता। लेकिन जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, इस देश को स्वतंत्र दिलाया, वो इस देश के 600 रजवाड़ों में नहीं दिलाया, वो इस देश के सर्वसामान्य जनता ने, नागरिक ने, स्वतंत्र सेनानी ने दिलाया। उस समय भी देश की आबादी 30-33 करोड़ थी, मगर देश की आजादी की लड़ाई से 1 करोड़ लोग लड़ रहे थे और बाकी के 32 करोड़ लोग अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहे थे। इसमें नवाब भी थे, राजा और रजवाड़े लोग भी थे, जो अपनी धन संपत्ति बचाने के पीछे थे, वो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज आपकी हमारी पार्टी की, विरोधी पक्ष के अंदर की जो भूमिका है, वो स्वतंत्र की लड़ाई लड़ने वाली भूमिका है, और इसीलिए आप जो एजुकेशन करते हैं और आपके हमारे जो साथी एजुकेशन करते हैं, आप ये समझ लो कि आपकी शक्ति तैयार हो रही है, और ये जो चुनाव आने वाला है महापालिका का, ये आपका एसिड टेस्ट होने वाला है। महापालिका के चुनाव में कौन से कार्यकर्ता ने कौन से संघर्ष के एजुकेशन में कितना पार्टिसिपेशन किया है, अपने साथ कितने कार्यकर्ता ला के उस कार्यकर्ता को ट्रेन किया है, उसका सारी परीक्षण जो है आपका इस महापालिका के चुनाव में होगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, फ्रंटल के अध्यक्ष और सेल की कमेटीज, ये सारे जो पदाधिकारी हैं, ये सारे लोगों ने, और नगर सेवक, और नगर सेवक के साथ के उनके प्रभाग के उनके साथीदार, सब लोगों ने मिल करके भी कंधे से कंधा मिला करके जो प्रदेश का निर्देश है और जिसका पालन आप कर रहे हो, कि जिनको चुनाव लड़ना है उसकी यादें आपने तैयार की है, जिन लोगों ने अपना नाम अभी तक के जिला अध्यक्ष के पास लिखाया नहीं है, वो अपना नाम लिखा दे। अभी 3 का प्रभाग है, ये सरकार कब क्या करेगी, 3 का 4 कब प्रभाग कर देगी, आपको हमको उस बात से चिंतित नहीं होना है। आपकी हमारी जो प्रभाग है वो मीरा भयंकर महापालिका है। क्या है ये पूरा प्रभाग आपका, हमारा प्रभाग है, उसमें 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 2 का करेंगे, उस बात को लेके चिंता आपको हमको नहीं करनी है।
जो महिलाओं का रिजर्वेशन है 50% है, सब लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ओबीसी का रिजर्वेशन अनाउंस किया है, मीरा महेंद्र को 19 point something कुछ परसेंटेज आएगा, पहले 26 या 27 ओबीसी का रिजर्वेशन था, अब शायद 19 या 20 आएगा, वो भी चिट्टी गिरती है, तो उसकी भी चिंता और चर्चा आपको हमको नहीं करनी है। अगर आप ईश्वर में खुदा में भरोसा रखते हो तो आपके अगर मुकद्दर में कुछ लिखा हुआ है तो मिले बगैर रहेगा नहीं, उसको कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इससे इन बातों की चिंता आपको नहीं करनी है, मगर जो चुनाव लड़ना चाहता है उसने जिला अध्यक्ष के पास अपना नाम लिखाना है और ब्लॉक के कमेटी, जिप की कमेटी, फ्रंटल की कमेटी और सेल की कमेटी, प्रवक्ता, सोशल मीडिया, इनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एक प्रभाग में जहां पे 3 का पैनल है वहां 5 लोग चाहते हैं हम चुनाव लड़े, तो 5ों को संधि दी जाएगी कि आप उस प्रभाग में कोई भी स्पॉट आप निश्चित कीजिए, आप वहां सभा लगाइए, स्टेज, माइक, मीडिया का कोऑर्डिनेशन, सोशल मीडिया का कोऑर्डिनेशन ये जिला कांग्रेस कमेटी करेगी। आपको जो हैंडबिल्स बांटना होगा उसका क्या फॉर्मेट होगा वो आपको पार्टी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिया जाएगा, आप उसको 5 copies प्रिंट करो कि 500 करो कि 5000 करो, वो आपके ऊपर रहेगा। स्टेज आपका रहेगा, लोग उस प्रभाग के आपको जमा करने हैं। अगर एक प्रभाग में 5 आदमी टिकट मांग रहे हैं तो 5 सभाएं लगेगी, एक प्रभाग में 1 आदमी 1 टिकट मांग रहा है 1 सभा लगेगी, एक प्रभाग में कोई 10 लोग टिकट मांग रहे तो वहां 10 सभा लगेगी। मगर जिसने भी किसी ने भी अपना नाम लिखाया है और टिकट चाहता है उसको सभा लगाना, अपनी ताकत बताना कंपलसरी है। वो ब्लॉक के जो कमेटी होगी, जिले की कमेटी होगी, जो पार्टी के पदाधिकारी, वो स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है, उस प्रभाग की जनता जमा करके बताना है। जो तो आप बोलेंगे कि साहब देखो ये सब लोग मैंने जमा किया था और पता लगा वो पार्टी की पदाधिकारी, मतलब ऐसे हो जाएगा कि घर में ही राम और घर में ही हनुमान, जब चाहिए रामलीला कर लो, वैसा मत कीजिएगा। वैसा करने से आप अपने आप को धोखा देंगे, हमको धोखा नहीं दे सकते, आनंद सिंह जी को धोखा नहीं दे सकते, प्रमोद को धोखा नहीं दे सकते, हम लोग को पता है कि कौन आदमी किस प्रभाग में रहता है, किसका घर कहां पर है। और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए हर एक की, क्योंकि पार्टी इस बात को बहुत सी सीरियसली नहीं है, पार्टी की फाइनल रूपरेखा रहती है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, जो व्यक्ति जिस प्रभाग में रहता है उसने उधर से ही अपना नाम लिखा के टिकट मांगना है, वरना आप भयंकर वेस्ट में रहते हो भयंकर ईस्ट में टिकट मांगोगे, भयंकर ईस्ट में रहते हो उत्तर में टिकट मांगोगे, उत्तर में रहते हो जनता नगर में टिकट मांगोगे, तो डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड और महाराष्ट्र स्टेट कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करती है। मैं आपको यह साफ सुथरे अल्फाज में बताना चाहता हूं, वहां पे मुजफ्फर हुसैन का, आनंद सिंह जी का कुछ नहीं चलता है, क्योंकि ये पार्टी की गाइडलाइंस है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मैं विनिंग वाली जो सीट हूं वहां जाकर के लड़ू, मैं चुन करके आऊ, अच्छी बात है, हर एक की भावना है, हर कोई चाहता है, मगर जो जहां रहता है वहीं से उसने अपना नाम लिखाना जरूरी है। मैं इसको साफ कर रहा हूं ताकि इस बात को लेकर के आपस में झगड़े कंटे नहीं होने चाहिए, हमको संगठित होकर के लड़ाई लड़ना है। आपकी हमारी लड़ाई बड़ी है, भले इस शहर के अंदर लोगों को यह लगता होगा कि गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, जैन समाज, उत्तर भारतीय समाज ये बीजेपी की तरफ हो गया है, मगर मुझे ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है, क्योंकि आनंद सिंह जी विधानसभा में भी, मीरा महेंद्र में, इतनी खराब परिस्थितियों में भी कांग्रेस को 90,000 वोट मिले, 145-146 पकड़ के, और लोकसभा में भी तकरीबन 1 lakh vote हमने आनंद परांजपे को दिलाया, तो इस शहर में 6 लाख
12,000 या 25,000 कुछ आज की तारीख में वोटर्स हैं, आज की तारीख में। पिछले लोकसभा विधानसभा इलेक्शन के टाइम पे वो कुछ 6.25 लाख के करीब थे, तो उसमें से 50% वोटिंग हुई, मतलब 3 लाख वोटिंग हुई। 3 लाख वोटिंग में 1 लाख वोटर आज भी इस शहर में कांग्रेस का मानने वाला है, मतलब 1/3 वोटर आज भी शहर में 33%, मैं फिगर वाइज बता रहा हूं, परसेंटेज वाइज बोल रहा हूं कि आपको हमको मानने वाला वर्ग इस शहर में है। आप और हम अगर संगठित होकर के, सबने संगठित होकर के लड़ा, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि 35 से 40 कॉर्पोरेटर कांग्रेस के इस शहर में चुन के आंख बंद करके आ सकते हैं। मगर अगर आपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पार्टी के स्वार्थ से बड़ा समझा, अपने जाति स्वार्थ को पार्टी की से ज्यादा अगर आपने इंपॉर्टेंस दिया, तब तो फिर आपस में ही टंटे होंगे। आज यहां लोग पद लेंगे और कल उठ करके बीजेपी में जाकर के शामिल होंगे। आज यहां प्लेटफॉर्म पे आएंगे, गले में कांग्रेस का पट्टा डालेंगे, कल चुनाव आएगा, आपको टिकट नहीं मिली, आपके साथीदार को टिकट नहीं मिली, उठ करके दूसरी पार्टी में आप जाओगे। ये हमेशा जब इलेक्शन आता है तो इस तरह का आओ जाओ चलते रहता है। मगर आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी में मेरा मेंबर अभी कितने लोग हैं, जिला अध्यक्ष है उनका, माजी आमदार है, अपक्ष आमदार है, एकनाथ शिंदे गढ़ के अंदर जो 146 के आमदार है वो है, जो राष्ट्रवादी से सेना में महेंद्र वैश्य से आमदार गए, जो पहला राष्ट्रवादी से आमदार थे वो सेना में गए, अब वो शिंदे गट में गए, तो ये 5 लोग एक तरफ हो गए, मतलब 63 भाजपा के लोग और सेना के जो खुटी 11-12 लोग हो गए, वो 75 लोग एक तरफ हो गए। 106 सीटें हैं, 75 106 में से 75 माइनस करो बची 31। अब ये 5 लोग 31 डिवाइड करेंगे तो हर एक के हिस्से में खाली 5 सीटें आएगी, तो आप समझ सकते हो कि वहां पे क्या परिस्थिति बनने वाली है अगर आपको कोई ये दिशा भूल करेगा। अरे तुम एक काम करो, हमारे पास आ जाओ, हम तुमको टिकट देते हैं, तो वहां पे तो ऑलरेडी बस में इतनी गर्दी है कि खड़े रहने को जगह नहीं है, क्योंकि हर एक को ये लगता है कि मोदी वेव चल रही है देश में, मोदी बोले वो कायदा चल रहा है और लोग सिर्फ बीजेपी को देख के वोट देने वाले हैं, तो आप दिशा भूल करने का काम कोई करेगा, इसको समझ के लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको कोई ऐसा भी उचकाएगा भड़काएगा, अरे ये प्रभाग सही नहीं हुआ, क्योंकि उसको मालूम है आपने वोटर रजिस्ट्रेशन किया है 2-5 सौ, आप उसको हरा सकते हो, तो आपको इनडायरेक्टली कोई भड़काएगा और आपको कांग्रेस से जुदा करने का प्रयास करेगा। अगर उस बहाव में भी आप चले गए तो नुकसान आपका होने वाला है, कांग्रेस का नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आज केंद्र सरकार जो राजनीति कर रही है आनंद जी, वो आपने बोला ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इस सब का वापर करके कर रही है। अगर कोई व्यक्ति इतना प्रबल है, इतना लोकमान्य नेता है, तो उसको ये हथकंडे वापरने की जरूरत नहीं है देश में। मगर भाजपा केंद्र सरकार ये हथकंडे वापर रही है और देश में वाद निर्माण कर रही है, झगड़े पैदा कर रहे हैं धर्म के नाम पे, तो इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार का ग्राफ नीचे जा रहा है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार गवर्नेंस में फेल है और यह साफ नजर आता है कि गवर्नेंस में फेल कैसे है। आपके दूध पे जीएसटी लग गया, छाछ पे जीएसटी लग गया, दाल पे जीएसटी लग गया, घी पे जीएसटी लग गया, गुड़ पे जीएसटी लग गया, ये जीएसटी क्यों लगा है? सर्व सामान्य व्यक्ति को लगने वाले अनाज के ऊपर अगर सरकार जीएसटी लगाती है और गरीब आदमी जेब से ये पैसा खींचती है, इसका मतलब सरकार की तिजोरी खाली हो चुकी है। और तिजोरी खाली कब होती है? जब सरकार
को सरकार चलाने आती नहीं है तब तिजोरियां खाली होती है। तो आपको अगर ये लगता होगा कि बीजेपी का बहुत बड़ा वातावरण है तो ये आपकी दिशा भूल है, ये आपके नजरों के सामने पर्दा डाला गया है। मीरा भयंकर में रहने वाला नागरिक जो है, भले वो आज की उसके मकान की कीमत 50 लाख होगी, 1 करोड़ होगी, मगर वो सर्व सामान्य लो इनकम ग्रुप का मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जिसका 15-20 रुपया ईएमआई में जाता है, लोन में जाता है, बच्चों की फीस में जाता है, और उसी में 5% और 18% की वृद्धि हो गई है। 5% बढ़ गया नहीं बढ़ गया आपके खर्चे में, 5 से लेकर 18% अगर 1 लाख रुपए का खर्चा सर्वसामान्य परिवार साल में खर्चा करता था 1 लाख रुपया, मिनिमम 10,000 रुपया, 8-9 हजार रुपया, उसमें 5,000 रुपया 5% से बढ़ गया, 18% से बढ़ गया, एवरेज में आपका 8-10 हजार रुपए का खर्चा साल का बढ़ गया। मैं एकदम लो इनकम ग्रुप व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, जो हाउस कीपिंग का काम करता है, जो सिक्योरिटी का काम करता है, जो बेचारा जोमेटो में काम करता है, जो स्विगी में काम करता है, जो कुरियर में काम करता है, मैं उस कैटेगरी छोटे गरीब इंसान की बात करता हूँ, क्योंकि 2 करोड़ और 3 करोड़ के और 1.5 करोड़ के मकान में रहने वाले तो वोटिंग को भी नहीं जाते। वोटिंग को कौन जाता है? वही गरीब आदमी जाता है, क्योंकि उसी के पेट पे लात पड़ी है। तो ये सरकार का जो ग्राफ है ये नीचे गया है, महंगाई वाली बढ़ाई बड़ी है, बेरोजगारी बड़ी है, बेरोजगारी बड़ी है। ये आपको मेट्रो दिखा रहे होंगे, बुलेट ट्रेन दिखा रहे होंगे, ये आपको दुनिया भर की धार्मिक बनारस का विकास दिखा रहे होंगे, राम जन्मभूमि का भी उद्घाटन होगा अभी अक्टूबर में, आप देखिएगा पूरा इंटरनेशनल टूरिज्म चलेगा, इंटरनेशनल टूरिज्म चलेगा। इस तरह से लोगों के दिल और दिमाग के ऊपर पर्दा डाल दिया जाएगा, इस तरह से उसको दिखाया जाएगा कि लोग सारी महंगे वाली भूल जाएंगे, लोग 5% GST भूल जाएंगे, और लोग फिर से बोलेंगे नहीं नहीं यही नेता जो है ये लोक नेता है, इसने देश को आगे ले गया है। मगर जो गरीब के जेब में हाथ डाल के 5-10% GST के नाम पे वसूल कर रहा है, जो गैस का सिलेंडर 450 रुपया था, आज कितना है महिला अध्यक्ष, गैस का सिलेंडर की कीमत कितनी है? 1050। 450 था तो स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां दिया करती थी ना, मगर आज 1050 हो गया है तो भी हमारी माता बहनें शांत बैठी है। क्यों? बोले नहीं, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। मतलब 450 का 1050 मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? क्योंकि मोदी है। आप देख लीजिए, टीवी चैनल चालू करो, अभी 11 राज्यों में चुनाव है, और जैसे 11 राज्यों में चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ है तो 2-3 चैनल आपको कंटिन्यूस पाकिस्तान दिखाता है, ड्रोन दिखाता है, 2-3 चैनल आपको कंटिन्यूस बनारस राम जन्मभूमि दिखाता है, 2-3 चैनल आपको लुल्लू के उल्लू मॉल के अंदर कोई नमाज पढ़ रहा है वो ही दिखाएगा, 2-3 चैनल खाली वो ज्ञान व्यापी मस्जिद का ही बात करेगा, कोई भूखमरी की रोजगार की बात नहीं करता, कोई टीवी चैनल पैनल डिस्कशन के गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही है उसके ऊपर बात नहीं करता, कोई रेलवे 10,000 किलोमीटर रेलवे प्राइवेटाइज में बेच दिया है, क्यों बेचा है उस पर बात नहीं करता, ONGC का शेयर बेच दिया, LIC को प्राइवेटाइज कर दिया उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, अडानी को कोल इंपोर्ट करने की परमिशन निकाली उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, अडानी जो कोल इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर की ड्यूटी माफ कर दिया उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, 3G घोटाले के अंदर कोई फाइंडिंग्स नहीं हुई उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, क्योंकि जितने कमीशन जितने आरोप इन्होंने लगाए थे वो सारे बेबुनियाद साबित हुए। महाराष्ट्र की सरकार चल रही थी तो सरकार तोड़ने के लिए इन्होंने बताया कि विधायकों को किस तरह ले गया, आपने हमने सबने देखा, मगर इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पुतले बाहर जाकर के परसों आप जो आंदोलन करने वाले हैं, आप और हम क्यों करने वाले हैं वहां पर आंदोलन,
क्यों अम्बेडकर जी के पुत्र के पास जाके हम आंदोलन करने वाले हैं। उन्होंने इस देश की घटना बनाई और उस घटने का तीन स्तंभ है, मीडिया, जुडिशरी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंट। तो क्या हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर एब्सोल्यूट मेजोरिटी का दुरुपयोग हो रहा है और उसके माध्यम से जुडिशरी के ऊपर पूरा कंट्रोल और जुडिशरी का पूरा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब वही सुप्रीम कोर्ट 16 एमएलए को डिस्क्वालीफाई स्पीकर नहीं कर सकता, उसको श्रेय देता है, और वही सुप्रीम कोर्ट स्पीकर का इलेक्शन महाराष्ट्र में एक साल तक के स्पीकर के इलेक्शन के बारे में तारीख नहीं लगाता है। वही सुप्रीम कोर्ट 16 आमदार को डिस्क्वालीफाई मत कीजिए कहता है, और वही सुप्रीम कोर्ट दूसरे दिन कहता है कि आप फ्लोर टेस्ट कीजिए, हम बैठे हैं, हम सब देख रहे हैं। अरे आदमी मरने के बाद देख के क्या करोगे, मतलब सरकार गिर गई, उसके बाद में 19 तारीख लगी, मैटर ही बोर्ड में नहीं आता है। अभी जो सेना की लड़ाई चल रही है उसमें सिंधेगढ़ प्योर से शिवसेना है कि उद्धव ठाकरेगढ़ शिवसेना है कि इलेक्शन कमीशन के पास तमाशा चलेगा, इलेक्शन कमीशन देखेगा किसके पास एमपी कितने, एमएलए कितने, किसके पास पार्टी पदाधिकारी कितने। इसीलिए परसों जो शिवसेना ने मीरा भाईंदर ने नई कमेटी बनाई सिंधेगढ़ की, वो उसको इलेक्शन कमीशन पे दिखाना है कि ये हमारे पदाधिकारी है, वहां पर उद्धव ठाकरे जी को दिखाना है कि ये हमारे पदाधिकारी है। और इलेक्शन कमीशन भी क्या करने वाला है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन भी दोनों की बातें सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता रहेगा, सुनता ही रहेगा। अब बाद में बोलेगा ठीक है अभी हम दोनों सुन रहे हैं, जब तक ये सिंबल को यूज नहीं कर सकता। क्या करेगा, ये सिंबल को यूज नहीं कर सकता। और अगर तो एक तरफा कोई भी जजमेंट दिया तो उद्धव ठाकरे कोर्ट में जाएंगे वापस, उसी सुप्रीम कोर्ट में, या ना सिंधेगढ़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसी सुप्रीम कोर्ट में जो बोलता है हम देख रहे हैं। ये हालत है लोकतंत्र की। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 2.5 साल तक के 12 विधायकों का अपॉइंटमेंट नहीं किया, ठीक है नहीं किया, और जब स्पीकर के इलेक्शन के लिए उनसे कहा गया कि स्पीकर का इलेक्शन करो, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। और अब जब ये पूरी उथल पथल हुई तो उसी राज्यपाल जी ने स्पीकर का इलेक्शन लगाया, तब मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि घटना इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का काम इस डिक्टेटर रेजिम में हो रहा है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास जाकर के आप और हम 26 जुलाई को एजिटेशन करने वाले हैं कि घटना ने जो इस अधिकार इस देश में हर नागरिक को दिया है, उस अधिकार को खत्म करने का काम केंद्र सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, और सत्ता की ताकत पे ये सारी एजेंसी का दुरुपयोग करके लोगों के सामने अपनी मर्जी की चलाने का काम इस देश में हो रहा है। और जनता इसको बहुत खूबी अच्छी तरीके से देख रही है, मीरा भाईंदर उसमें से अजूबा नहीं। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि आने वाला समय इस शहर में आपका हमारा है, मगर एकजुट होकर के लड़ना, एकजुट होकर के खड़े रह करके बात करना, ये आपका हमारा कर्तव्य है। इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी जो जिम्मेदारी आपको देगी उसका तंतोतंत पालन आपको करना है। हो सकता है कि भाई 100 लोग 200 लोग टिकट मांगे, मिलेगी 100 लोग को, 106 लोगों को, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पे अन्याय हुआ है। अब मेरा नाम था 12 लोगों में विधायक विधान परिषद, उसी में से एक को रजनी पाटिल जी को राज्यसभा बना दिया गया, बनाया ना, तो हमको बुरा नहीं लगा। 2.5 साल तक पार्टी ने नाम दिया हमारा, राज्यपाल ने नहीं किया, नहीं किया, सरकार भी चलेगी, अब वापस विधान परिषद में हम नहीं जाएंगे, एमएलसी नहीं बनेंगे, तो मैं क्या करूं, पार्टी छोड़ दूं, पार्टी के विरुद्ध में चले जाऊं। 2009 में कांग्रेस के 38 नगर सेवक थे, मगर टिकट राष्ट्रवादी के 18 नगर सेवक वाले को टिकट दे दी गई,
तब भी हमने पार्टी नहीं छोड़ी, छोड़ा छोड़ा। पार्टी ने राष्ट्रवादी के काम करने के लिए कहा, हम लोगों ने राष्ट्रवादी का काम किया। तो निष्ठा लॉयल्टी जो है जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने आप से भी निष्ठा नहीं रख सकते हो तो आप पार्टी से नहीं रख सकते हो। आपको अपने आप को समझाने की जरूरत है कि मैं अगर ईश्वर पे खुदा पे भरोसा रखता हूं तो मुझे देने वाला वो ऊपर वाला है। मेरा तो सिर्फ कर्म करना है। मैं अगर अच्छा कर्म करूंगा, अच्छा भाषण करूंगा तो आप पानी बजाते कि नहीं? अभी क्या बजाए? अच्छा एक्टिंग करूंगा तो ताली बजाएगी। अभी रूबीना अच्छा गाना गाएगी तो आप लोग ताली बजाओगे, बजाओगे कि नहीं? औरतों ने बजाएगी यादव जी का जन्मदिन था, आनंद सिंह जी वो बैठे हो, हाँ देखो खड़े हो जाए शत्रुघ्न सिंह, धूम बरसात के लिए और मेरे मूड में एकदम गाना आ गया। तो हमने गाना भी गाया, फिर रुबीना जी ने भी गाना गाया। तो ऐसे जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, और उस पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, संगठित रहो, पार्टी के निर्देश का पालन करो। हमारे नगर सेवक साहब लोगों से और मेम साहब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि पार्टी के हर कार्यक्रम में कार्यकर्ता लेकर के उपस्थित रहो, एकला चकोरे मत करो। ये कथा खाली मीरा भाईंदर की नहीं है सुरेश, पूरे हिंदुस्तान में इसलिए होता है कि आदमी चुनके आने के लिए चार आदमी को गाड़ी में लेके जाता है। पहले टिकट लेने का तो चार आदमी को गाड़ी में लेता है, फिर चुनाव लड़ने का तो 10 को रोज रात को खाना वाना खिलाता है, इलेक्शन हो जाता तो रात तक के सबको साथ में रखता है, और जैसे कॉर्पोरेटर बन गया तो एकला चालोरे हो जाता है। अकेला गाड़ी लेके कब तू किधर जाता और किधर आता किसी को मालूम नहीं पड़ता। ये कथा सबकी है। वो आमदार लोग भी ऐसे छटक के भागे, 17 लोग 40 लोग, घर में मालूम नहीं, बीवी को मालूम नहीं, बच्चों को मालूम नहीं, कब किधर निकल के भाग गए, बैग पीछे से आदमी लेके गया। मतलब ये सत्ता इतनी बुरी चीज है कि आदमी अपने बीवी बच्चों का भी नहीं रहता, मगर वो जिंदगी में मजा नहीं है। जिंदगी में मजा उसी का है कि आप खड़े हो जाओ, आप चार आदमी को बुलाओ तो 40 आदमी आपके लिए दौड़ के आवे, वही समाज चरण है। आप जब भी आ रहे हो तो पीठ के पीछे आपके लोग आपकी तारीफ करें, दो शब्द अच्छे बोले, अच्छा ना बोले तो कम से कम बुरा ना बोले, वही समाज चरण। जिसके जीवन में जो लिखा है, ऊपर वाले ने जो लिखा है वो मिलना है, मिलना है और मिलके ही रहना है, और नहीं भी मिला तो खोना क्या है, लेकर क्या आए थे जो लेके जाओगे। सिकंदर आजम भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया कि नहीं? कितने देवी देवताएं भी खाली हाथ आए खाली हाथ गए, कितने पीर पैगंबर भी सूफी भी खाली हाथ आए खाली हाथ गए। इस देश के अंदर 2 लाख से 2.5 लाख माजी आमदार और माजी खासदार हो गए, किसी को नाम भी पता नहीं। पता है क्या, ये दुनिया के अंदर कितने डिक्टेटर पैदा हो गए, या तो खुद को गोली मारी या आर्मी ने सूची पे चढ़ा दिया, तो ये देश का इतिहास भी वैसे ही होने वाला है। आप लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? ज्यादा समय चलता नहीं, आपकी बात सही हो। अन्याय जो है ये इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूं। इराक में सद्दाम हुसैन का कितना परसेंटेज वोट मिलता था? 99.9% वोट मिलता था, मगर आखिरत कैसी हुई उसकी? दुनिया में जितने डिक्टेटर हुए हैं उनका हाल ऐसी होता है, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा दिया जाता। पार्लियामेंट में क्या हुआ है अभी, आप ये शब्द नहीं बोल सकते, भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते, अमुक नहीं बोल सकते, दमुक नहीं बोल सकते, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर लगाम है। और जिस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक दिया जाता है वहां पे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा होता है। और जरूरी नहीं कि रेवोल्यूशन के लिए हिंदुस्तान में उस तरह का रेवोल्यूशन सिर्फ आजादी में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ,
मगर अभी वो मत पेटी के अंदर होता है, मत पेटी में होगा। और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाया है, इलेक्ट्रिक वोटिंग लाया है, मगर जब परिवर्तन आने की आंधी चलती है तब वो कोई मशीन मशीन काम नहीं आती। और वही आंधी आने का समय आ गया है। महंगे वाली बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है, इतनी बड़ी हुई है कि आप फिगर गिन नहीं सकते कि ये देश कितना डेफिसिट में चल रहा है, कितना लाखों करोड़ों रुपए के डेफिसिट में चल रहा है। हर इलेक्शन में 2-5 लाख करोड़ रुपया आपके जेब से रिजर्व बैंक से लेकर के आपको 70 अलग अलग स्कीम्स केंद्र सरकार की है, जिसके माध्यम से हर आदमी के अकाउंट में, गांव में या शहर में आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। और गरीब आदमी को लगता है मोदी जी का पैसा आ गया, उसको ये नहीं पता लगता कि ये 5%, 12%, 18% मेरा ही लिया गया है, ये मेरे ही बच्चे की सुरक्षा को खत्म कर दिया गया है। तो ये इस तरह का प्रशासन इस देश में चल रहा है। मीरा भाईंदर उसे अजूबा नहीं है। पिछले 8 साल में मीरा भाईंदर महापालिका में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, आजकल हमारा नौजवान साथीदार दीप काकड़े आजकल रोज मीडिया के अंदर उसके ताल्लुक से बोलता है। प्रकाश कांडे जी रोज एक प्रेस रिलीज निकालते हैं, आप में से कितने पढ़ते हैं मुझे पता नहीं। सोशल मीडिया जो जिला कांग्रेस कमेटी का है, आप सब लोगों से विनती है कि उसमें शेयर करें, उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आप अगर उसको शेयर नहीं करोगे, आप लाइक नहीं करोगे, आप उसको सर्कुलेट नहीं करोगे, तो आपकी बात को लोगों तक के आप कैसे पहुंचाओगे, ये सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। इसलिए सोशल मीडिया का सुशांत शेट्टी जो है, ये जिले का अध्यक्ष है, जो जो लोग अपना नाम यहाँ पे उम्मीदवारी के लिए लिखा रहे हैं, उन्होंने 4-4, 5-5 नाम सोशल मीडिया का आदमी कौन होगा, वो सुशांत शेट्टी के पास वो भी नाम और नंबर लिखाना है, ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी हमारी बात अच्छी तरह से पहुंचे। कि मेरे भाषण के बाद जो लोगों की नियुक्ति के पत्र है, आप लोग जिस तरह बैठे हैं उतने ही शांति से बैठे रहे। महिला कांग्रेस है और यूथ कांग्रेस है, ब्लॉक कांग्रेस है, बेसिक बीसीसी की है, कुछ लोगों की नियुक्तियां हैं। इतनी देर आप बैठे हैं, एक 15 मिनट और लगेगा, अपने जगह पे उसी तरह शांति से बैठे रहेंगे। कुछ लोगों का प्रवेश भी है, प्रमोद सावंत जैसे जैसे अनाउंस करेंगे वो लोग शांति से उठ कर यहाँ आइएगा। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।